अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और बनाने भी जा रही हूँ चिकन फ्राइड, जो बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। और इसकी आप ये देखिए कितना गल चुका है। तो चलिए आइए, अब किसी बात की देरी है तो शुरू कर लेते हैं चिकन फ्राइड बनाने की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, फ्राइड चिकन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है चिकन, हाफ के जी है, आप 1 kg या इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। आप इस तरह के पीसेस भी सारे ले सकते हैं और इस तरह के भी पीसेस ले सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसमें कट लगा लेना है सारे पीसेस में, ताकि इसका जो ये मसाला इसमें लगाऊंगी तो वो अंदर तक चला जाए और इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छे से आए। अब ये सारे पीसेस में मैंने कट लगा लिया है। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको फॉलो करिएगा वरना। अब इसमें सबसे पहले जाएगा पानी, और फिर मैं क्या करती हूँ, इसमें डालूंगी नमक। अब मैं इस तरह से ही शुरुआत करती हूँ, नमक में के पानी में इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिला, और इसको अब मैं रख दूंगी फ्रिज में 1 घंटे के लिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो फ्रेंड्स, 1 घंटा हो गया है, इसको मैंने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इसका जो ये पानी है, इसके पानी का कलर चेंज हो चुका है। अब ये पानी हम निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका पानी निकाल दिया, ये नमक डाल के इसलिए मैंने रखा है, ये चिकन जो फ्राइड है ये बहुत ही जूसी बनता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है इसका, इसलिए मैंने इसमें नमक लगा के 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। अब आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो इसमें अब सबसे पहले जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसको मुझे सबसे ज़्यादा लेना है। अब ये इसमें नमक लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, और रेड चिली पाउडर 2 चम्मच लूँगी, ये कस्तूरी मेथी ली है मैंने 2 टेबल स्पून, नींबू का रस लिया है मैंने 2 नींबू का है, जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 चम्मच, चिकन मसाला 1/2 चम्मच, दही 1 बाउल। अब ये मैं इसमें ऐड करूंगी कश्मीरी लाल मिर्च है, ये ऑप्शनल है, आप कलर लें या फिर ये कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करें। तो अब सारे मसालों का चिकन के ऊपर मसाज कर देना है बहुत ही अच्छी तरीके से। सारे मसालों को मुझे बहुत ही अच्छे से मिला देना है। तो आपको अब ये हाथ से ही मसाज करना पड़ेगा इन मसालों का चिकन के ऊपर, और ये इस चिकन के हर पीसेस में आप मसाले को इस तरह से भर दें। और इसको अब क्या करना है, मुझे 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट करने देना है। तो इसको इस तरह से ढक के रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए। तो दोस्तों, 1 से 2 घंटे हो चुके हैं और मैंने मसाला लगा के रख दिया था, और ये चिकन हमारा, अब इसको एक बार थोड़ा सा हम और मिक्स कर लेंगे। और अभी ये फ्राई करने के लिए रेडी नहीं है, एक स्टेप और अभी बाकी है, तो मैं बताती हूँ आपको। और इसमें जाएगा ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, आप थोड़ा सा मैदा भी ऐड कर सकते हैं, और ये 1 एग। और अब अगेन आपको ये सारी चीज़ों को इसमें बहुत ही अच्छे से मिला देना है। तो अब मैंने पैन ले लिया है और उसमें ऑयल ले लिया, ऑयल बहुत ज़्यादा आप नहीं लेंगे, कुकिंग ऑयल पूरा भर के नहीं लेंगे, और ये बिल्कुल हीट हो जाए, एकदम गर्म हो जाए, इसमें से ऊपर से धुआं सा निकलने लगे जब आपको इसमें ये चिकन के पीसेस डालने हैं। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए ये तेल बिल्कुल हीट हो चुका है, ऊपर से थोड़ा सा धुआं भी निकल रहा है। अब क्या करना है मुझे, अब ये जो चिकन के पीसेस हैं वो इसमें मुझे फ्राई करने के लिए डाल देना है, और इसकी फ्लेम को स्लो कर देना है। तो आपको फटाफट इसकी साइड चेंज करनी होगी, क्योंकि तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म था, तो आपको साइड बस थोड़ी देर के बाद ही चेंज कर देनी है, और भी एकदम स्लो फ्लेम पे इसको छोड़ देना है, तो चिकन अंदर तक आपका बिल्कुल गल जाएगा।
तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है हमारा चिकन, फ्राइड चिकन बनके तैयार हो चुका है। आप इसको थोड़ी दीजिए नैपकिन पे रख दिए और इसका ऑयल निकलने दीजिए और फिर ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आज आपसे नहीं कहूँगी मैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन एक बार ज़रूर कहूँगी ये रेसिपी आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।